टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत यानी कि ECS के तहत, जैसे कि आपको पता है कि ऑल ओवर उत्तराखंड में उत्तराखंड में ही नहीं ऑल ओवर इंडिया में ये वैकेंसी चल रही है। इसी सिलसिले में आपने देखा होगा देहरादून में वैकेंसी आई, हल्द्वानी में वैकेंसी आई, पिथौरागढ़ में वैकेंसी आई और अभी जो रिसेंट वैकेंसी आई है वो आई है जोशीमठ में। तो फ्रेंड यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी आई है, कितने नंबर की वैकेंसी आई, कैसे फॉर्म भरना है, हालांकि फॉर्म कैसे भरना है उसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करें वहां पर आपको मिल जाएगा। फिलहाल यहां पर हम बात कर लेते हैं। तो अटेंडेंट, ड्राइवर, सफाई वाला, चौकीदार, क्लर्क, फार्मासिस्ट, इसी तरह की यहां पर वैकेंसी निकलती हैं। और जो क्वालिफिकेशन होती है स्नातक से लेकर और जो है आठवीं पास तक होती है, अलग अलग जो कैटेगरीज हैं। और यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ कैंडिडेट स्पेशलिस्ट में एक्स आर्मी मैन को भी प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन अगर उनकी अगर कोई पोस्ट नहीं मिलती है तो सिविलियन को वहाँ पर चांस दिया जाता है। फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फॉर्म कॉमन है चाहे आप हल्द्वानी के लिए भरें, चाहे मतलब फॉर्म कॉमन है चाहे हल्द्वानी का भी आया था, चाहे इससे पहले देहरादून का आया था, जहाँ का भी आया था फॉर्म कॉमन है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसको आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप नॉन हैं यानी कि एक्स आर्मी नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भरें, क्योंकि इसको फॉर्म को भरना है और वो शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसके अलावा आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप सकते हैं टोटल नंबर ऑफ जो पोस्टर्स हैं वहाँ पर 20 पद हैं, यानी कि 20 पद निकले हुए हैं। अब ये पद कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ आपको बता दूँ। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये जो है दिखाई दे रहा होगा कि चौकीदार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चौकीदार, सफाई वाला, महिला अटेंडेंट, क्लर्क, ड्राइवर, नर्सिंग असिस्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उम्र है 18 से लेकर 53 साल की है। यहाँ पर जो सैलरी आपको दी जाएगी आप देख सकते हैं 16,800 से स्टार्टिंग है। अलग अलग जो है अलग अलग के लिए है, लैब टेक्नीशियन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, फार्मासिस्ट भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 8वीं पढ़ना लिखना, यानी कि जो भी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं आप इसका जो है जो क्वालिफिकेशन है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि जो फॉर्म है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको फॉर्म मिलेगा वहाँ पर फॉर्म के साथ साथ जितनी भी पोस्ट है ECS के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में आती हैं उनमें क्या एक्सपीरियंस मांगता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितनी आपको सैलरी मिलती है, वो सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आप जो फॉर्म भेज सकते हैं यानी कि जो फॉर्म होगा वो आपको जो भेजना होगा आप देख सकते हैं, भर्ती के लिए इच्छुक जो उम्मीदवार है अपना जो फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट आप देख सकते हैं पहुँचने की 18 फरवरी 2022, यानी कि इसको आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। जो एड्रेस है वो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है, IOICECS सेल स्टेशन हेडक्वार्टर जोशीमठ उत्तराखंड 900298 केयर ऑफ 56 APO, ये भेजने का पता है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से भेजें। और उसके अलावा यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अटैच करने हैं, आधार, पैन कार्ड, 10वीं 12वीं स्नातक, जिस वैकेंसी के लिए मैं आपको यहाँ पर फिर से बता दूँ जिस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन है वही भेजें, उसके ऊपर ना भेजें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल, फार्मेसी, जो भी इसमें अनुभव जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट उसकी हार्ड कॉपी सेल्फ अटेस्टेड के साथ जो है यहाँ पर भेजें। सो फॉर्म को बहुत अच्छी तरीके से भरें, कोई भी उसमें कट पीट वगैरह ना हो यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा जो आपके यहाँ पर इंटरव्यूज़ होंगे आप देख सकते हैं, अब जो इंटरव्यू होंगे आपके 22 फरवरी को यहाँ पर प्रातः 10 बजे से होंगे, कहाँ पर आप देख सकते हैं साक्षात्कार के लिए आपको स्वयं आना होगा, ठीक है। कोई ऑफलाइन कोई ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं है, यहाँ पर ऑफलाइन इंटरव्यू है। 22 तारीख को 10 बजे स्टेशन मुख्यालय जोशीमठ में लिया जाएगा और साक्षात्कार के लिए आते समय आपको सभी अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके वो लाने हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हैं कहाँ कहाँ पर निकले हैं आप देख सकते हैं, कर्ण प्रयाग में सफाई वाला, महिला अटेंडेंट, क्लर्क, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट और नर्सिंग सहायक के निकले हैं। उसके अलावा रुद्र प्रयाग में सफाई वाला, महिला अटेंडेंट, चौकीदार, ड्राइवर, क्लर्क, फार्मासिस्ट और इसी तरह से जोशीमठ में आप जैसे नर्सिंग सहायक, इसी तरह से उत्तरकाशी में आप देख सकते हैं सफाई वाला, महिला अटेंडेंट और इस तरह की यहाँ पर देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक के बटन को दबा दें। उसके अलावा जो है एक बार आप जो है इस फॉर्म को कैसे भरते हैं उसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बना के रखा, तो उसको आप ज़रूर देखें। उसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।